कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को दोष देते हैं कि वह सामान्य दुर्दशा की समस्याओं को कम करने में असफल रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजौरी सन्ना मंडी सड़क खस्ताहाल हालत में है, जिससे यात्रियों और मरीजों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद डार, मैं थन्ना मंडी में रहने वाला। राजौरी से सुरनकोट तक जो रोड है, इसकी बहुत खस्ता हाली है। हमें बहुत अफसोस है, मौजूदा हुकूमत इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अगर कोई सियासी गवर्नमेंट होती तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ हो जाता। इस वक्त सियासी गवर्नमेंट कोई है नहीं, ये सेंटर की गवर्नमेंट है। हम इस पर बहुत अफसोस करते हैं। सेंटर ने कहा था कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत आसमान तक लोगों को बचाएंगे, वह हम उससे भी नीचे हो गए, वो बहुत दबे गए हैं, किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी स्कीमें हैं उन स्कीमों में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर किस्म की मुश्किलात हमारे सर उतरी है। हमें बहुत अफसोस है, इस रोड के थन्ना मंडी वाली रोड जो है राजौरी से थन्ना मंडी सुरनकोट तक खस्ता हाली है इसकी बहुत। ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसकी को तवज्जा दे दें। हादसे होते हैं इस रोड पर। यह रोड शारदा शरीफ भी जाती है, मंगोटा में भी जाती है, और मुगलिया रोड इसी रास्ते से जाते हैं लोग। बदकिस्मती, ये कोरोना को बीमारी आई है, इसका भी बहाना हो गया लोगों को, हुकूमत को इसका भी बहाना हो गया, इसलिए इस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। गवर्नर साहब से मुतालबा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहब से कहें इस रोड पर तवज्जो। हाँ, मेरा नाम बशीर कमलाक है, थन्ना मंडी का रहने वाला हूँ। अफसोस की बात है, इंडिया हमारी है, इंडिया में हमारी खस्ता हाली हो रही है। थन्ना मंडी से श्रीनगर की जो रोड है, इंडिया का टूरिस्ट आता है, हर तरह के सहाय लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ की खस्ता हाली है। रोड में छोटे मोटे हादसे भी होते हैं, यहाँ पर तो एम्बुलेंस भी नहीं है को हमारे को राजौरी से थन्ना मंडी से राजौरी लेगी। हम सिविल गाड़ियों का सहारा लेते हैं, वो भी किसी टाइम तेल ही नहीं होता पंप में, ठीक है सर जी। और जो थन्ना मंडी से राजौरी रोड है, इसकी खस्ता हाली है, इस पर तवज्जो दी जाए। हमारे डीसी साहब राजौरी और तहसीलदार साहब थन्ना मंडी के हैं, इस पर तवज्जो देंगे जी सर, सारा काम हो सकता है। जनाब से ये हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ में बहुत परेशानी है। ये बारिश का महीना आया है, ये सावन का महीना है, इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ हो जाएगी रोड की, इसलिए हमारे बीकन वाले जो हैं वो भी थोड़ी निगरानी करते हैं, मगर उनसे छोटे मोटे काम होते हैं, बड़ा जो बड़ी रोड की खस्ता हाली वो ठीक।